मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपके लिए क्लास 12 का सिलेबस शुरू करने वाला हूँ। YouTube चैनल जो है हमारा बायोवाटिका, वो आप सबके निरंतर कॉपरेशन से बहुत ही आगे अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। आप लोग का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। कोई भी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये हमारे मनोबल को कहीं नहीं बढ़ाएगा। अभी मैं जहां आपसे बात करने वाला हूं वो आपका सिलेबस 12 का है। 12 का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसमें। आप जैसा कि 10th में आपने जैसा पढ़ा था बोर्ड पेपर्स में, ऑलमोस्ट वैसा ही चैप्टर है। कुछ दो चैप्टर आपको नए मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी करके। तो मेरा ऐसा मोटो है कि मैं पहले आपके साथ पूरा सिलेबस पे चर्चा करना चाहूंगा कि सिलेबस क्या है शॉर्ट में, फिर उसके बाद इन ब्रीफ के बाद मैं चाहूंगा कि चैप्टर वाइज बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन से, चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आते हैं टॉपिक वाइज आपके बोर्ड पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मैंने जैसा कि सबसे ऊपर में लिखा है कि सिलेबस फॉर क्लास 12। आप लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली जो मैंने टॉपिक है वो 12th क्लास की शुरुआत किया। 12th को अगर हम आप लोग बोले तो सीनियर सेकेंडरी भी बोलते हैं, प्लस टू भी बोलते हैं, बिहार बोर्ड हो, सी करवाती है बोर्ड, वो सारा का जो मेन बुक है कोर बुक, वो कहीं ना कहीं NCERT को फॉलो किया जाता है। तो हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली NCERT। अब हम लोग बात कर रहे थे इसमें जो मैंने देखा हुआ, मैंने लिखा यूनिट 6। अगर आपने 11th का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, कवर किया है, तो आपने वहां पे पाया होगा कि यूनिट 1-5, 11th का टोटल जो बुक है वो 22 चैप्टर्स का है, उसमें 1-5 यूनिट्स में बांटा गया है। अब यहाँ पे बातें आती है कि यूनिट 6 से शुरुआत किया गया है, और यूनिट 6 जो है यूनिट 6-10 यानी टोटल 5 यूनिट्स है 12th के बुक में भी, और टोटल चैप्टर्स जो है वो 16 है, यानी 5 यूनिट चैप्टर 16। मार्क्स का वेटेज जो है थ्योरेटिकल पेपर में अगर बात करें तो 70 मार्क्स का होता है। नीट में अगर वेटेज बात करें ओवरऑल पूरे 12 का, ऑलमोस्ट 50% यानी कि 45 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए पहले चैप्टर से हम लोग बात करते हैं। मैंने लिखा है यूनिट 6 यानी कि रिप्रोडक्शन का यूनिट। रिप्रोडक्शन हम आप सभी वाकिफ है अच्छे से, यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, और इसका जो नंबर ऑफ पीरियड्स है हम लोग कैलकुलेट करके खत्म कर लेना चाहिए ऑलमोस्ट, तो नंबर ऑफ पीरियड्स 30 एंड टोटल मार्क्स 14 मार्क्स। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है बिजनेस में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला बात, रिप्रोडक्शन क्या है? द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर चाइल्ड, सिमिलर यंग वंस, अपने जैसे सिमिलर चाइल्ड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम लोग बोले तो यहां पे ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ, ऑर्गेनिज्म मतलब एनी लिविंग स्पीशीज। जहां पर हम लोग बातें करेंगे कि प्लांट्स हो, अदर एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, सारे को कैलकुलेट करके एक रिप्रोडक्शन का एक बेसिक नोड तैयार किया गया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रोसेसेज हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पैन को कैसे कैसे रेगुलेट किया जाता है, छोटे छोटे चीजों के बारे में इसमें कंसंट्रेट किया गया। बहुत ही इनिशियल चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हो गया आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर है, इसी को कह सकते हैं कि दो पार्ट से मोस्टली पार्ट दिया गया है, कि सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे उसी को आगे जाकर के ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर देखें, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो सारे के सारे जो हायर प्लांट्स हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को कॉमनली हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बातें करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फल फूल देने वाले पेड़ पौधा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस है। फिर वहां पर हम लोग बातें करेंगे कि मोस्टली जो हायर प्लांट्स यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स है। फ्लावर का हम लोग चर्चा करेंगे, फ्लावर के कितने पार्ट्स है, फ्लावर का क्या क्या एसेंशियल यूनिट्स, क्या क्या वर्क है, क्या क्या इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन कौन वेजिटेटिव पार्ट है, इसको हम लोग कैसे जर्नेट करवा सकते हैं, कैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर का जो कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कितने दिनों का होता है, इसका जो सीड जर्मिनेशन का कंडीशन है वो कैसे आया, कैसे डेवलप किया, इसका क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इवोल्यूशनरी क्या क्या रिलेशनशिप है, उन सब सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में, यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब थर्ड चैप्टर का बात हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम आप ह्यूमन है, सबसे डेवलप्ड स्पीसीज जो है, सबसे डेवलप्ड मैमल्स, सबसे डेवलप्ड एनिमल स्पीसीज ह्यूमंस को कहा गया है, और हम आप ह्यूमंस हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप के बारे में, अपने बारे में, अपने सराउंडिंग में रहने वाले अदर ह्यूमंस के बारे में डिटेल से जाने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हम आपको यह क्यूरियोसिटी देता है कि हम अपने बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से जान सके कि आप इसको कैसे डील करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात
कि ह्यूमन जो है वो कैसा स्पेसीज है, कैसा डेवलपमेंटल क्राइटेरिया हम लिखेंगे। तो ह्यूमन के बारे में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक डायोसियस स्पेसीज है, यानी कि यूनिसेक्सुअल स्पेसीज है। मेल और फीमेल दो अलग अलग सेक्सेस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। मेल बॉडी में जो सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है उसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, फीमेल्स में जो सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है उसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे क्या क्या वर्क करना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फिर दोनों का जो मीटिंग होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। यानी ओवरऑल कहें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग तीन पार्ट में देखते हैं बांट करके। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला सारा इवेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा गैमेट का बनना, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, या दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे। अगर ह्यूमन मेल में बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में बात करेंगे तो ओजेनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि ऑब्वियसली मेल बॉडी जो है वो जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। तो जो मोटाइल है, जो माइक्रोस्कोपिक है, जो स्मॉलर है, उसे लार्गर के पास, मेजर के पास, यानी कि फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना होता है। इस प्रोसेस को हम लोग गैमेट ट्रांसफर कहेंगे। जब दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, एक कह सकते हैं कि जो मीनिंगफुल मिक्सिंग हो जाएगा उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे कभी परमानेंटली और कभी स्लाइटली देखते। तो ह्यूमन जो है वो डेवलप्ड स्पेसीज है, इसलिए दोनों में गैमेट का जो मिक्सअप है वो कंप्लीटली पूरा पूरी गैमेट मिक्स कर जाता है। तो जब हम लोग गैमेट्स के मिक्सअप के बारे में बात करेंगे तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग बातें करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फिर जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा, फिर एम्ब्रायो से 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल एम्ब्रायो के बाद फिर कह सकते हैं मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला फिर बनेगा, फिर एक फ्यूटस बनेगा, फिर फ्यूटस जो है ऑलमोस्ट 9 मंथ का टाइम लेने के बाद जो पार्टुरेशन प्रोसेस होगा, यानी कि कह सकते हैं कि मदर जो है वो चाइल्ड को इस धरती पे, इस वर्ल्ड में एक नए बर्थ के रूप में, उसको नए बेबी के रूप में, सिमिलर बेबी के रूप में उसको जन्म देगा। ये सारा प्रोसेस जो रिलेटेड है कि कहां एक सेल से एक टोटल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर के कैसे एक जायगोट बनाता है, और फिर वो जायगोट डेवलप करके कैसे एक टोटल एक कंप्लीट इंडिविजुअल एक कंप्लीट न्यू बॉर्न बेबी के रूप में धरती पे आता है। इन सब सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर इसमें हम लोग थोड़ा ये भी पढ़ेंगे कि पार्टुरेशन के दौरान, यानी कि कह सकते हैं कि जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड है उसके दौरान क्या क्या हार्मोनल रिफ्लेक्स होता है। उससे थोड़ा पहले अगर हम लोग देखें तो गेस्टेशन पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहते तो प्रेगनेंसी पीरियड, जो कि ह्यूमंस को ऑलमोस्ट 9 मंथ प्लस माइनस 10 डेज का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में चाइल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, थर्ड मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, फिफ्थ मंथ में कब डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिलता है, कब तक जो है इसके इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, कैसे आसानी से समझा जा सकता है, फीलिंग किया जा सकता है, कैसे इस बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मोस्टली ह्यूमन को फोकस किया गया कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ है, जो हेल्थ अवेयरनेस है, जो हेल्थ प्रोग्राम्स है, उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली ऐसा कितने बार होता है कि कोई नॉर्मल हेल्दी मेल या फीमेल, क्योंकि हेल्दी दिख रहा है इन सेंस, बट वो रिप्रोडक्टिवली वो फिट नहीं होते हैं। आप बहुत समय के मतलब कह सकते हैं कि जो विलिंगनेस के बाद, चाहत के बाद अगर वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चलाया गया, इम्पोसेंट माना जाता है। फिर उनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या टेक्निक्स है जिसे हम लोग ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उन सब सारे चीजों के बारे में बात, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज, जायगोट का फर्टिलाइजेशन यानी कि जिफ्ट गिफ्ट आएगा, ICSI आएगा, इन सब सारे प्रोसेसेस को कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। इससे थोड़ा ही पहले अगर इसी चैप्टर हम लोग बात करेंगे तो बर्थ का जो कंट्रोल है वो बहुत एक मेजर है, क्योंकि हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारा इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पे बर्थ जो है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में हुआ, जिसका रीजन है कि हम लोग पॉपुलेशन का बहुत ही हाई लेवल पे कहीं ना कहीं ग्रोथ हो गया, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजों में उसको डिस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे हम लोग बात की, हम देखना चाहें तो भारत की आजादी के समय में इंडिया का पॉपुलेशन 35 करोड़ या कहें 350 मिलियन यानी 350 मिलियन था पॉपुलेशन, जो कि मई 2001 में 1 मिलियन क्रॉस कर गया, यानी कि 350 मिलियन यानी कि 35 करोड़ जो था आजादी के समय में 1947 में, वो 2000 में मई में 1 बिलियन को क्रॉस कर गया, जो कि कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग रेट है, जो कि इंडिया
वर्ल्ड में कहें तो पॉपुलेशन के आधार पर हर एक दुनिया में 6 आदमी में से एक इंडियन है, जबकि ज्योग्राफिकली देखें अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया के पास उतना ज्यादा कैपिटल या एरिया तो है नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए तो स्कार्सिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्कार्सिटी में फूड स्कार्सिटी होगा, जॉब का स्कार्सिटी होगा, हेल्थ का स्कार्सिटी होगा, और कहीं ना कहीं उसी से फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता है, स्कार्सिटी होता है, तो फिर आदमी में तकलीफ, आदमी में पेनफुल रिलेशनशिप क्रिएट होने लगता है, फिर हम लोगों में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब हम अगर बातें करें इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंटिन्यूस में आता है कि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ एक्टिविटीज था उसमें अगर कोई अनविलिंगनेस है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव डिस्टर्बेंस या फिर कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं इम्परफेक्टनेस है, उसको ठीक करने के लिए जो कुछ ट्रीटमेंट्स लाए गए उसमें बहुत सारे मेथड है, कुछ नेचुरल मेथड है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड है, उस मेथड्स में हम लोग देखते हैं उसको असिस्ट किया गया, सपोर्ट किया गया, जिसे हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि ए आर टी में हम लोग बात करें, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई आएगा, फिर उसमें हम लोग बात करें इसको कैसे फर्टिलाइज करवाया जा सकता है, किस किस एक्टिविटीज के लिए क्या क्या प्रोसेसेज है, फिर उसी में जाके आगे बात हम लोग बात करेंगे कि जो कह लें कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता था, इसके लिए क्या क्या उपाय है, फिर उसमें हम लोग चाइल्ड बर्थ कंट्रोल भी पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल के लिए जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जो बर्थ कंट्रोल का क्या क्या टेक्निक है, बर्थ कंट्रोल का टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाइटस इंटरेक्टस है, कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, सर्जिकल रिमूवल है गोनाड्स का, इन सब सारी चीजों को हम लोग फोर्थ चैप्टर में ऑलमोस्ट देखेंगे, फिर जब चैप्टर वाइज हम लोग आएंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे। तो यूनिट 6 हमारा जो है कहीं ना कहीं हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। पहला था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक, दूसरा था रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा रिप्रोडक्टिव। अब जो इंपॉर्टेंट एक यूनिट आता है जो मेरे समझ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं आप मेडिकल के वेटेज के आधार पर अगर देखें तो मेडिकल में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं ना कहीं हमारे आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको भी अगर हम पीरियड वाइज देखें तो 40-50 पीरियड लगता है, मैंने 40 पीरियड लिखा है, टोटल मार्क्स 18 है। नीट के वेटेज के आधार पर अगर आप देखें टोटल यूनिट को, तो कम से कम मेरे समझ से 10-13-14 क्वेश्चन इस यूनिट से आता है, 10-14 इस यूनिट से टोटल 10-14 क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर। ये अकॉर्डिंगली घटे 2 साल का सिलेबस, 2 साल का पेपर को अगर आप देखें तो। अब इसमें हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे पहला बात जेनेटिक्स क्या होता है, द स्टडी अबाउट जीन, देयर वेरिएशन एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन के बारे में अध्ययन करना, उसका वेरिएशन कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, वही हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और इवोल्यूशन क्या है सर, तो इवोल्यूशन कहीं ना कहीं वो एक टॉपिक है जो कि हमारे लाइफ में स्लोली ग्रेजुअल इकोस्टिक चेंजेस लेके आता है, और जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे चेंजेस लाने के बाद क्या कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को कंडक्ट करता है। इसको हम लोग 15 यूनिट्स में 3 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल माने की सिद्धांत, जो एक प्रोसेस है, एक क्राइटेरिया है, एक रूल रेगुलेशन जिसके आधार पर इसको पढ़ा गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस माने क्या होता है, उत्पत्ति, माँ बाप के जनरेशन से, पैटर्नल जनरेशन से जो भी कोई कैरेक्टर चाइल्ड के जनरेशन में आता है उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। उसमें अगर सिमिलरिटी है तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा, अगर पूरा पूरी एग्जैक्ट सिमिलर हो जाए उसे कहीं ना कहीं हम लोग क्लोन कहते थे, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस चाइल्ड में मिलता था। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस चाइल्ड में वेरिएशन मिलता है, और यही वेरिएशन आगे जाकर के लीड करता है, जो आगे जाकर के मोस्ट प्रोबेबल केसेस में या तो म्यूटेशन कहलाएगा या फिर इवोल्यूशन कहलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेंडल साहब के बारे में कि मेंडल ने क्या क्या जानकारी दी, पी प्लांट का क्या था कैरेक्टर, उन्होंने सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में जानकारी दिया, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिलता है, उनके रिसर्च पेपर को कब वैल्यू दिया गया, पहले क्यों नहीं वैल्यू दिया गया था, उनके तीन जो कह सकते हैं उन्हीं के पेपर को जो दोबारा रिसर्च किया, काल कोरस, ह्यूगो डिग्रास, इरेक फाउंडेशन पर, इन सब सारे कह सकते हैं कि साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर म्यूटेशन क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में जानकारियां लेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका एक वीडियो मैंने इसमें YouTube चैनल पे एक अपलोड भी किया हुआ, फिर मैं शुरुआत से इसको लेके चलूंगा आगे। चैप्टर नंबर 6 है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो दो बेसिस माना गया, एक था फिजिकल बेसिस, यहाँ पे हम लोग यहाँ जीन को फिजिकल बेसिस माना था, चैप्टर नंबर 5 में फिजिकल बेसिस जीन को माना गया, चैप्टर नंबर 6 में जो मॉलिकुलर बेसिस है, मॉलिक्यूल्स के आधार पर, यानी डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, फिर ये कैसे बनते हैं, इसके
कंपोनेंट्स क्या क्या, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, आरएनए वर्ल्ड को क्या क्या है, डीएनए को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, डीएनए को कब जेनेटिक मटेरियल माना गया, इनको किन किन साइंटिस्ट ने रिसर्च ग्रुप में एग्जामिन किया, इन सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर चैप्टर नंबर 7 यानी कि इवोल्यूशन, हिंदी में इसका मतलब ही होता है विकासवाद, हमारे लाइफ फॉर्म में या किसी भी लिविंग्स के लाइफ फॉर्म में जो स्लोली ग्रेजुअल चेंजेज आए हैं उसे हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। वेरिएशन ही कहीं ना कहीं एक की पॉइंट है, की एलिमेंट है जो इवोल्यूशन की ओर ले जाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली कि इवोल्यूशन में लाइफ कैसे आया, पहले नॉन लिविंग्स थे, फिर नॉन लिविंग से लिविंग का कंसिडरेशन कैसे आया, बहुत सारा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या है, मेंडल साहब ने जो जानकारी यहाँ पे जेनेटिक्स में दे रहा था, यहाँ पे इवोल्यूशन में उससे रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। फिर लेमार्किज्म का नाम आएगा, यूज एंड डिस्यूज ऑफ थ्योरी आएगा। फिर लास्ट में हम लोग ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन का क्रैनियल कैपेसिटी कैसे था, ह्यूमन का फीडिंग हैबिटेट कैसे था, कैसे हम लोग स्लोली ग्रो करते करते आज मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस तक बने। थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के आपको एक सिलेबस का आइडिया मिल जाए कि आप घर बैठे समझ सके किस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी तो है ही, बायोलॉजी के साथ तो ह्यूमन का वेलफेयर जुड़ा हुआ है, मानव का जन कल्याण जुड़ा हुआ है। यानी इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इस चैप्टर को आप लोग समझें पढ़ें तो हमारे लिए क्या क्या फायदेमंद हो सकता है, और ह्यूमन जो अपने एसोसिएटेड पार्ट यानी कि जिस पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं उससे हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे हेल्थ क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कंप्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है नॉट ओनली डिजीज फ्री, not only disease free but complete physical mental and social being species are termed as called as known as healthy healthy species। और अगर humans के बात करें humans के लिए consider करें तो healthy species या healthy human हम लोग कह सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि humans का जो health है वो health को कैसे maintain किया जा सकता है, maintain करने के लिए क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे balanced diet होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर्स मिनरल्स विटामिन्स इन सब चीजों पे कैसे आप फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें कितने अमाउंट में लेना चाहिए, क्या एक डाइट चार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, कुछ इम्परफेक्शन आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसी तीनों चारों चीजों में अगर कुछ फैक्टर में कुछ गड़बड़ी हो गया उसे हम लोग डिजीज कहते हैं। यानी एनी अनविलिंगनेस या कह सकते हैं कि एनी इम्परफेक्शन या एनी इरेगुलरिटीज इन ह्यूमन हेल्थ ट्रीटमेंट कैसे करवाया जा सकता है, कुछ फैटर डिजीजेज है, एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अपने लाइफ में इसका बहुत रोल है, क्योंकि कम से कम जो बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं जो भी स्टूडेंट कम से कम नॉर्मली 10th तक के सारे बच्चों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि हम कैसे फिट रह सकते हैं और अपने फैमिली वाले को कैसे एडवाइस दे, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगर बात करेंगे आगे तो चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, भोजन के प्रोडक्शन में, भोजन यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं बेसिकली कहीं भी जन्म ले कहीं भी रहे किसी भी स्पीशीज को भोजन तो सबको चाहिए जिंदा रहने के लिए, और पॉपुलेशन जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बात किया कि बहुत ही हाईली रेट से बढ़ते जा रहा है, तो सबको भोजन दिलवा पाना मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये जो फूड का क्राइसिस होगा, इस फूड को क्राइसिस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लैंड तो एक्सपेंड होने रहा है, लैंड तो एक्सपेंशन कर ले रहा है लेकिन बर्थ तो एक्सपेंशन हो रहा है, हर एक स्पीशीज का डायवर्सिटी बढ़ रहा है, हर एक स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मोस्टली कुछ एक्सटिंक्ट भी हो रहा है लेकिन मोस्टली स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और सबको भोजन दिया जा सके, फुलफिल किया जा सके, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ उन्नत किस्म के यानी कि बोले तो हाइब्रिड वैरायटीज के डेवलप्ड वैरायटीज के फूड को शामिल किया जाए, डेवलप्ड वैरायटीज के क्रॉप कल्टीवेट किया जाए। तो हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसेस है जो फूड एनहांसमेंट करवाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या क्या साइंटिस्ट रेगुलेशन था अपने इंडिया में, स्वामीनाथन का क्या इसमें रोल था, व्हीट का वैरायटी कहां डेवलप किया गया, राइस का वैरायटी डेवलप कहां गया है, कहां पे हम लोग देखेंगे सीमित बार वैरायटीज वगैरह कैसे आया, कैसे हम लोग बात करें शुगर कैन का वैरायटीज में क्रॉसिंग करवाया गया, कैसे इसमें जेनेटिकली जो है वो मॉडिफाई कर गया, जीएम क्रॉप्स वगैरह का टर्म आया, इन सब सारे चीजों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे फूड प्रोडक्शन में कि जो कहेंगे कहें कि
जो डेवलप्ड वैरायटीज को कैसे हम लोग क्लोन बना सकते हैं, कैसे टोटी पोटेंसी वगैरह आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बात करें लास्ट में चैप्टर नंबर 10 जो है यूनिट का, इसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब है कि जो माइक्रोब जिसे हम लोग मोस्टली कॉमनली हम लोग ऐसा जानते आए कि ये माइक्रोब्स आर यूजलेस फॉर अस, बट दिस इज नॉट ओनली यूजलेस, दिस मे बी यूजफुल। देन व्हिच टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस, माइक्रोब्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोब जनरली हमारे मन में एक होता है कि हाँ कीड़ा मकोड़ा है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका क्या क्या पॉजिटिव यूज है, ह्यूमन के वेलफेयर इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करेंगे बेकरी वगैरह में ब्रेड बनाने में, कहीं ना कहीं वाइन्स बियर्स बनाने में, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें कह सकते हैं ब्रीम इंडस्ट्री के अलावा, फूड इंडस्ट्री के अलावा, दही बनाने में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स वगैरह, बैक्टीरिया सबके इस्तेमाल से एंटीबायोटिक बनाने में फंगस का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे जगहों पे। आप लोग बात करेंगे चीज का वैरायटी कैसे डेवलप करवा सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, प्राइमरी सीवेज, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें यहाँ पर सारा का सारा माइक्रोब्स का गुणगान हम लोग करने वाले कि हमारा सारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमने जो अभी तक बात किया चैप्टर कह सकते हैं कि 1-10 तक जो कि 3 यूनिट्स में था, तो आपके लिए थोड़ा बहुत हमने ब्रीफ में जानकारी दे दिया। फिर आगे हम लोग आपके बराबर बात करते रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जिसे हम लोग नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट नंबर 9, जो आपके सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा नया चैप्टर, जो अभी आपने इससे पहले शायद नहीं पढ़ा हो, अगर टेंथ में थोड़ी बहुत जानकारी दी है दिए हो सर, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं था। ये बस एक कह सकते हैं यही 2 चैप्टर है जो आपके बुक में नया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला यूनिट था, जो फिजिकल और मॉलिक्यूलर बेसिस वाला यूनिट था, उसको आप कैसे रेगुलेट कर, उसके बारे में आप लोग रेगुलेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, नंबर ऑफ पीरियड्स इसमें भी हमने 30 कंसिडर किया, टोटल मार्क्स 10, कहीं कहीं 10-12 का भी रह जाता है, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है बोर्ड पेपर्स में। सीबीएसई का जो नॉर्म है वो ऑलमोस्ट हमने फॉलो किया है, स्टेट बोर्ड जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स वैसा टूल्स और टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है, वैसा टूल्स या टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल माने सिद्धांत, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस रूल्स को फॉलो करके, किस मैकेनिज्म को फॉलो करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोसेसेस, प्रोसेसेस माने कि इसका जो सिद्धांत है, जो इसका रूल रेगुलेशन है, उसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम लोग बातें करेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी को काम को किसने दिया, इसमें हम लोग बातें करेंगे कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो ये जो 12 नंबर चैप्टर है स्पेशली यूजर्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर हम लोग बातें करेंगे कि बीटी कॉटन कहां से आया, जिसमें हम लोग बातें करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स थोड़ा सा रिलेटेड इसमें फिर से आएगा। फिर इसमें हम लोग बातें करेंगे कि इसमें इसका जो इंसुलिन का खोज कैसे हुआ, इसमें हम लोग बातें करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करवाया जा सकता है। इसमें हम लोग बातें करेंगे डिजीज फ्री, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज कैसे लाया जा सकता है। इसमें हम लोग बातें करेंगे पीसीआर क्या है, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस में मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम सिलेबस में ब्रीफिंग में जा रहे हैं और ये आपके टॉपिक्स को हेडिंग को कवर करेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस जो है या फिर एप्लीकेशन जो है, उसमें हम लोग बातें करेंगे इसका क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या फायदा है। और सीधे आ जाते हैं लास्ट यूनिट, क्योंकि आपके सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे आसान आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें कि आप सेल्फ रीडिंग देकर के भी बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। आपने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे मैटर को देखा होगा। यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें हम लोग बातें करेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स की। अगर इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स में देखेंगे 40, टोटल मार्क्स 14, तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है, 40-50 भी जा सकता है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन हमारा जो एक कोर व्यू होता है, क्योंकि ये सेल्फ रीडिंग वाला प्रोसेस है, इसमें हम लोग फिर चार चैप्टर है इसमें यूनिट नंबर 10 आपके सिलेबस का सबसे लास्ट यूनिट, चार चैप्टर्स ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन पहला है चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 का अगर बात करें तो नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म समझ चुके हैं आप क्या होता है, कि किसी भी स्पीसीज या किसी भी लिविंग स्पीसीज को हम लोग कॉमनली ऑर्गेनिज्म कह देते हैं।
उसके डिटेल में भी जाएंगे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, और पॉपुलेशन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ सिमिलर स्पीशीज इन नोन एज पॉपुलेशन। तो इसमें हम लोग बातें करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजों की चाहिए, लिविंग्स का क्या क्या कंसिडरेशन है, लिविंग में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, लिविंग्स को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ नॉन लिविंग्स है उसको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें चैप्टर नंबर 14 आएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप समझते होंगे, पहले भी आपने नाम सुना होगा, टर्म इकोसिस्टम किसने दिया, एजी टेंसले के बारे में 1935। इकोसिस्टम है क्या, देखें ये बायोटिक सिस्टम और एबायोटिक सिस्टम का एक सिम्बायोसिस है, दोनों का कहीं ना कहीं जो है वो अटैचमेंट है, उसे हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम हम लोग के ऊपर बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर एयर, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होता है, कैसे इसमें डेवलपमेंटल जो कंसिडरेशन है उन सब सारे चीजों को बहुत सारे तरीके से इसमें पढ़ेंगे, कैसे स्पीशीज का स्पीशीज से रिलेशन होता है, एक लिविंग स्पीशीज का दूसरे लिविंग स्पीशीज से किस किस प्रकार के रिलेशन हो सकता है, इन सब सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। म्यूचुअलिज्म क्या है उसमें हम लोग बात करेंगे, म्यूचुअलिज्म के साथ साथ आप कह सकते हैं पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, इन सब सारे पांच छह जो वैरायटीज हैं इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और लास्ट का है जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 15 यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं, जो कि ग्लोबली कहीं ना कहीं स्पीशीज का ओरिएंटेशन है, उनका जो लाइवलीहुड है, उन सारे टॉपिक्स को जो कवर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग, और डायवर्सिटी मीन्स विविधताएं, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप के जो लिविंग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे जो ग्लोबली कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उसमें जो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, खासकर के ह्यूमन के ओवर वर्किंग के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, बहुत सारा जो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्नोफॉल, वाटर, वाटर स्कार्सिटी होना, या फिर कह सकते हैं कि जो ड्रिंकेबल वाटर का मोस्टली स्कार्सिटी होना, या क्लाइमेटिक चेंजेज होना, जो कहीं ना कहीं उनके स्पीसीज के ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब कर रहा है और जिसको एक्सटिंक्ट की ओर ले जा रहा है, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वल्नरेबल, और इसमें हम लोग बातें करेंगे इस अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है, कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, कितने एम्फीबियंस, कितने प्लांट्स, कितने बहुत सारे वैरायटी जो इसमें बात करेंगे, एनिमल्स में भी, एनिमल्स का भी अलग अलग क्राइटेरिया बात करेंगे, मैमल्स कितने, बर्ड्स कितने, इन सब सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से ग्लोबली अटैच्ड है, कहीं ना कहीं एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज से रिलेशन है, चाहे आप फूड चेन के रूप में देखें या फूड वेव के रूप में देखें। फूड चेन ही अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो फूड चेन में भी आपको पता होगा कि लोअर स्पीशीज का जब तक काउंट नहीं होगा, स्पीशीज का जनसंख्या नहीं होगा, फिर उसको हायर वाले खा नहीं सकते, फिर उसको खाने के बाद उससे ऊपर वाले कंटिन्यू खाएंगे। ये फूड चेन, फूड वेव मेंटेन करने के लिए भी बायोडायवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। हम लोग बातें करेंगे इस यूनिट में, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, रेडिटस फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में प्रॉफिट लेवल क्या होता है, इसका कैसे ओरिएंटेशन होता है, क्या क्या स्पीसीज का कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। कंजर्वेशन में मोस्टली हम लोग दो मोड देखते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में कि नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसी के प्रॉपर हैबिटेट में ही अगर उसको हम लोग कवर करके रख दें, जैसे सेक्रेट ग्रोव्स वगैरह है, और इसमें हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन में अगर देखेंगे, उसके लिए एक अलग से स्पेशल जगह बना करके वहां से उस स्पीसीज को माइग्रेट करवा के वहां पे उसके नेचुरल मुताबिक उसको जगह, जैसे जू वगैरह जो होता है, जू, बोटानिकल गार्डन वगैरह, उसमें हम एक से टू कंजर्वेशन के बारे में बातें करेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है आपके सिलेबस का, इसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यू। ये एनवायरमेंट से जुड़ी हुई बातें करता है कि आपने जितना सारा कुछ पढ़ा, आपको जितनी सारी जानकारियां दी गई, बीइंग बायोलॉजिस्ट, आपको बायोलॉजी पढ़ने समझने का जो मौका मिला है, तो आपको अपने नेचर के प्रति, आपको अपने यूनिवर्स के प्रति, अपने आपके नेचुरल क्रिएशन के प्रति क्या कितना अवेयरनेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंटल इश्यू, इन्वायरमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसी में हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का कंसिडरेशन किया गया, फिर इसका क्या क्या पैरामीटर्स है, इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, स्क्रबर्स क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में आप लोग देखेंगे। इसमें इश्यू में क्या है कि वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब आया, एयर कंजर्वेशन एक्ट कब आया, कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, कब इथिकल इश्यूज वगैरह पे चर्चा किया गया, कब भारत में भारत थर्ड स्टेज, भारत फोर्थ स्टेज आया, कब कैसे सारे चीजों को एनवायरमेंट से बचाने के लिए, कैसे इसमें ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया, कैसे अमृता देवी विश्व अवार्ड का
एक नेमिंग आया, कहीं ना कहीं चिपको मूवमेंट क्या है, इन सब सारे चीजों के बारे में आप लोग पढ़े। थोड़ा सा ब्रीफिंग हमने देने का कोशिश किया है, बहुत सारे टॉपिक को हमने नॉर्मली टच किया है, कुछ सारे टॉपिक छूट भी गए होंगे क्योंकि हम लोग आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे ही। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, काम का रहेगा, और अगर आप इस वीडियो को दो बार तीन बार देख लेते हैं तो बहुत सारा टॉपिक आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप सेल्फ रीडिंग भी करें तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को जरूर टच करना, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन होगा, फायदे होगा नंबर के मुताबिक और आपके नॉलेज के मुताबिक। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, बार बार वही कहता हूँ, कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आपकी ड्यूटी है थोड़ा सा कि आप हमें कॉपरेट करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में अगर आपको कोई कंटेंट कोई पोर्शन ज्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको भी मेंशन करिए, या कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको भी मेंशन करिए। आपका कंटेंट, आपका जो कह सकते हैं कि हमारा कंटेंट और आपका कमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। बस यही कहना चाहेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्द टॉपिक बाय टॉपिक, और कोशिश मेरी रहेगी या तो अल्टरनेट डे पे एक डे करके वन डे वन वीडियो करके मैं आपके साथ अपलोड करूंगा। तो अगला टॉपिक जो होगा वो रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिम्स से मैं आपके साथ शुरू करूंगा, और ये सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी हमें कॉपरेट करते रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ये चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कोशिश करके आपके लिए बेहतर कंटेंट को जुटाने की कोशिश करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और फिर वही बात है, अभी कोरोना का जो माहौल है उसको ध्यान में रखेंगे, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो तबियत का भी ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सब परिवार अच्छा खाना पीना खाएं, प्रोटीनियस डाइट लें,